Hi guys, today we are looking at the Rode Wireless Mic Go, which is a very much good mic in terms of audio because it is wireless. Hi guys, so today we are looking at the Wireless Mic Go from Rode and इसकी price around 18,000 है इंडिया में और out of the country around $200 है. तो इंडिया में costly आ जाता है with all GST and all the things, but still it is a recommended microphone because it has almost everything that is needed for a video creator. Wireless है, receiver है, ending है और ये charge भी होता है C port से, which is better, and इसको आप अपने t-shirt पे भी attach कर सकते हैं. इस box में आपको मिलते हैं Rode mic, receiver and transmitter. इस box में आपको मिलते हैं receiver and transmitter for 2 USB C केबल एंड एक SC केबल और एक पाउच मिलता है. चलिए शुरू करते हैं. बॉक्स में आप देख सकते हैं इसकी प्राइसिंग दिखाएगी है 12,300 23,500 जो कि बहुत ज़्यादा है, बट एज अ वायरलेस माइक उतना ही महंगा आती है. जैसे कि आप रोड की और भी वायरलेस वीडियो वाला जो प्रो देखे होंगे उसकी कॉस्ट भी अराउंड 20,000 to 25,000 के बीच में. तो इसमें आपको एक वायरलेस गो का एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है. जैसे कि ये जो जिस पे डिस्प्ले है ना वो रिसीवर है और ये वाला है, ये जो सिग्नल सेंड्स टू द रिसीवर. तो इसमें आपको हेडफोन जैक भी मिलता है, जैसे कि आप इसे अपने ब्लूटूथ हेडफोन से यूज़ कर सकते हैं जिसमें माइक नहीं है. बहुत ही सही है. एंड वही बता रहा है कि बैटरी से कनेक्ट करने के लिए सी पोर्ट है, वायर से कनेक्ट करने के लिए वायर है और माइक इज़ ऑल्सो देयर. तो हम लोग इसे खोल सकते हैं. तो फिर से हमें मैनुअल्स देखने को मिलेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको रोड का फ़ोटो मिलता है 1 2 3 4. तो आपको अपने ट्रांसड्यूसर को ऑन करना है, उसके बाद उसे क्लिप ऑन कर लेना है अपने बॉडी पे और तीसरा वाला पे आपको अपने रिसीवर को अपने कैमरा पे लगा लेना है ऑन करके. रिसीवर कैसे मालूम चलेगा? जिस पर डिस्प्ले होगी वो रिसीवर होगा और जिसमें डिस्प्ले नहीं होगी वो रिसीवर नहीं होगा. देखने में तो ये दोनों बहुत ही छोटे लग रहे हैं. चलिए हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं. अभी हम लोग साइड में रखते हैं. तो ये क्लिप है, ये रोड की तरफ से, एंड इसे हम ओपन कर रहे हैं. तो देख सकते हैं कि आप ये रोड का रिसीवर है, इसे आप माउंट मेड इन ऑस्ट्रेलिया बाय दिस. तो ये अच्छा हुआ कि ये मेड इन चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना का सामान वैसे भी नहीं लेना चाहिए बिकॉज वी लव आवर कंट्री एंड विल सपोर्ट द डेवलपमेंट. तो हम लोग ने इसे साइड में रख दिया. फिर हम लोग ये दूसरे वाली माइक को निकालते हैं. तो ये दूसरे वाली माइक है. आपको रोड की ब्रांडिंग भी मिल जाती है इस माइक में कि इस माइक में आपका मेड इन ऑस्ट्रेलिया है और एक क्लिप देखने को भी मिलती है जो कि बहुत सही है. एट दिस प्राइस यू आर गेटिंग सच ब्यूटीफुल थिंग्स जो बहुत ही सही है एट फ्रॉम अ मेजर ब्रांड. अभी हम लोग इसे साइड में रख देते हैं और दूसरे एक्सेसरीज के बारे में बात करते हैं. और हमें देखने के लिए एक रोड की केबल भी मिलती है. ये जो केबल है वो बहुत ही सही है एंड इसकी जो पावर है वो सी पोर्ट की है और इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं. और ये हमें एक माइक मिली, फिर एक माइक मिली. तो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग. एक मफल भी मिलता है आपको यहाँ पे, इसे आप अटैच कर सकते हैं एज अ विंडशील्ड ऑन द रोड माइक. एक एंड यू गेट अनदर टू. तो आपको दो ऐसे विंडशील्ड मिलते हैं जो कि आप अटैच कर सकते हैं अपने वीडियो माइक प्रो पे. फिर हम लोग साइड पे रखते हुए अपनी चालू कर. फिर हम लोग और बॉक्स कंटेंट में आ जाते हैं. एक आपको SC केबल मिलती है जिससे आप ऐड कर सकते हो. TRS टू TRSS नहीं है. अगर आप TRS टू TRSS ले लेते हो तो आप इसे फ़ोन के साथ भी यूज़ कर पाओगे. इसीलिए हम लोग साइड में रखते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ बुकलेट्स भी मिल जाती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट सेफ्टी इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, जो कि बहुत ही सही है एट दिस प्राइस। और ये आपको सेफ्टी रेगुलेशन सब मिल जाती है। तो इसे हम लोग ओपन करते हैं और फिर देखते हैं। तो ये माइक बहुत ही सही है क्योंकि वायरलेस और बहुत ज़्यादा ही फीचर्स पैक्ड है। इसके बाद आपको एक सिलिकन पाउच भी देखने को मिल जाती है, जो कि रोड ब्रांडिंग की है और बहुत ही सॉफ्ट है, और इसमें आप अपने दोनों माइक को डाल सकते हैं, 1, 2 एंड यू कैन गो एंड कैरी देम फॉर योर फ्यूचर जर्नीज एंड ऑल। यही था आपको ब्रांडिंग, यही सब मिल जाती है बॉक्स। तो आपको ये सारे चीज़ें बॉक्स के अंदर मिल जाती है, जैसे कि वन केबल, 1 रोड ट्रांसमीटर, 1 रिसीवर, 1 SR केबल, 2 विंडशील्ड्स फॉर द माइक एंड एक गाइड और एक सॉफ्ट सिलिकन पाउच आपको इसमें मिल जाती है। लगाना इसको बहुत ही सिंपल है, आप बस अपने जो भी आपका DSLR है आप उस पर उसे सीधे क्लिप कर सकते हो। क्लिप करने के लिए आपको बस इसको ऐसे लेना है और अंदर डाल देना है। ऐसे लेके आपको एक अंदर यू हैव टू पुश इनसाइड योर रिसीवर। तो इसे आप पावर ऑन करने के लिए आप इसमें डिसेबल भी सेट कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें डिसेबल भी सेट कर सकते हो। और ये क्रॉस कनेक्शन के लिए है, और ये आपका बढ़ाने के लिए है, और ये हेडफोन जैक है यहाँ पर। और रोड में आपको इस वाले में आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है जो रिसीवर है, और एक हेडफोन जैक देखने को भी मिल जाता है। आप इसे कनेक्ट करके कोई भी अपने माइक को वायरलेस हेडफोन को माइक के अडाप्टर में से यूज़ कर पाओगे, अगर आपका TRS to TRSS केबल है। और मोस्ट ऑफ द हेडफोन्स ओनली सपोर्ट these things। तो चलिए अब हम लोग इसे अपने DSLR पर लगा के वॉइस की टेस्टिंग करें। इससे पहले जो आप वॉइस देख रहे थे वो Rode Go की है, जो कि अराउंड 6000 की आती है। उसकी भी साउंड बहुत ही सही है। तो एट बिगिनिंग में तो बोलूँगा कि Rode की आप माइक ले सकते हो, बट दिस इज़ अगर आपको कुछ ज़्यादा ही कम्फर्ट चाहिए एंड इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन यूजिंग दिस थिंग। ऑन करना है तो नीचे वाले जो बटन है उस पर आपको प्रेस करना है और उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ऑन हो चुका है। तो इसे आपको सीधे अपने बॉडी पे क्लिप कर लेना है और उसके बाद इसका काम सही हो जाएगा। और हम लोग फिर दूसरे में आते हैं। ये जो रिसीवर है इसको भी ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसे आपको क्लिप कर देना है अपने वायरलेस माइक पे, और इस अडाप्टर से आपको दोनों को कनेक्ट कर देना है, फिर ऑन कर देना है। और जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो डिस्प्ले में आपको आ जाएगी विथ इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग कि क्या वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, जो कि बहुत ही सही है। और दैट्स इट। इसके बाद आपको इसमें पोटेंशियोमीटर भी चेंज कर सकते हो और अपना क्रॉस लिंक भी चेंज कर सकते हो। ये बहुत ही आसान थी। अब ये दोनों कनेक्ट हो चुका है, दोनों इज़ क्वाइट फ्रीक्वेंट एंड दोनों की बैटरी लेवल भी बहुत कम है। दोनों अब कनेक्ट हो चुका है, दोनों की बैटरी एंगल भी थोड़ी सी कम है, आप जैसे देख सकते हो। तो ये कनेक्ट हो चुका है, तो हम इसकी रैपर को निकाल देते हैं क्योंकि रैपर निकालना ही चाहिए। कोई भी गैजेट आए तब कितने दिन तक आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अब ये ऑन हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। ये जो डिस्प्ले इन्होंने दिया है बहुत ही सही है। इसमें आप अपना डेसीमीटर भी चेंज कर सकते हो बटन डालने से, और हाई पिच भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो जो नीचे वाला जो बटन है वो अगर मैं प्रेस करूँगा तो उससे जो भी सिंक्रोनाइजेशन है वो चेंज हो जाएगी। अपना डेसिबल वॉइस की कम कर लेगी और मैक्सिमम में बढ़ जाएगी। तो एक बहुत ही सही चीज़ है जो हमें देखने को मिलता है Rode से। तो चलिए इसे हम अपने माइक पे लगा के यूज़ करें और आपको वॉइस बताएं कि कैसे। हाई गाइस, सो दिस इज़ द ऑडियो विच इज़ कमिंग फ्रॉम द शॉटगन रोड माइक गो। तो इसकी आवाज़ भी उतनी ही अच्छी है जितनी वायरलेस की है और ये ज़्यादा इम्फेसाइज करता है। तो अगर आपका बजट उतना लॉन्ग रेंज तक नहीं है तो मैं बोलूँगा कि एक बोया या रोड का माइक गो ले सकते हो। बोया का भी सही है। एंड उसके बाद नेक्स्ट अपडेट आपको जो लेना होगा तो आप वायरलेस माइक को ले सकते हो। इसके बाद जो ट्रांजिशन या जिसके बाद जो मैं बोलूँगा वो वॉइस होगी वायरलेस माइक की। Hi guys, so now the audio which is coming from is from the Rode Wireless GO mic. So हमको लगता है कि इसका आवाज़ भी अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग न्यू अपडेट्स और न्यू थिंग्स ला रहे हैं जो आपको जल्द ही मिलेगी देखने के लिए। और अभी हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी वीडियो हो बट एक रेगुलर अपडेट बेसिस पे हम लोग डाल सके, जैसे कि पब्लिक और सब पे एक रेगुलरिटी मेंटेन हो जाए। और जो क्वालिटी है वो तो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ ही जाएगी। और जो फैक्ट थी मैंने बता दिया है कि अगर आपको रोड माइक लेना है तो पहले आप शॉटगन लें, सस्ते से चालू करें। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में अगर महंगे भी गियर्स ले लेंगे तो आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे। मैं यही बोलूँगा कि आपकी कंटेंट मैटर करती है और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग। जो भी मैंने सामान लिया है वो बहुत ही धीरे धीरे लिया है, और ये जितने सामान दे लगता है मेरे हिसाब से 2 साल से मैं कलेक्ट करते आ रहा हूँ या 1.5 ईयर्स से। तो इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और वायरलेस माइक आप तभी लेना जब आपका यूट्यूब चैनल ग्रोथ पे हो या 10,000 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो, नहीं तो ये वेस्ट ऑफ मनी होगी। या अगर आप कुछ करते हो जिस पे कैमरामैन और डिस्टेंस होना चाहिए, देन यू कैन ट्राई गेटिंग दिस माइक फॉर अराउंड 18,000 रुपीज़, बिकॉज इट इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ मनी और अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं फिर से इस वीडियो की एंड करता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। If you can subscribe to the channel, it will be of great help. But just keep watching our stuff and supporting us. We'll try to improve our content as soon as possible. We're trying to update it because we are very irregular in this genre, we can say. And we're trying to become or update the things quite on a regular basis. So we'll try to update everything on time. Thanks for watching this video. Hope to see you in the next video. Tata, bye bye, Jai Hind.